गदर 2 अभी सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना गदर मचा रही है। जी हाँ, मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले एक और फैक्ट है कि इस वीकेंड पे 3 मूवी रिलीज हुई थी, एक थी जेलर, दूसरी थी गदर 2 और तीसरी थी OMG 2। ठीक है, इनके बारे में अगर बात की जाए तो पूरे वीकेंड में मैं मात्र 1-2 दिनों में इन्होंने ओवरऑल जो कलेक्शन किया है वो 140 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, जहाँ पे एक मूवी लाइफ टाइम में नहीं कमा पाती वहां पे इनके एक दिन के कलेक्शन तीनों मूवी के बारे में बात करूं तो इतना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। इतने तो हमारे पड़ोसी देशों की GDP भी नहीं होती जितना ये एक दिन में रेवेन्यू कलेक्ट कर चुके हैं। गदर 2 के बारे में बात करें तो उनका ऑल ओवर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो भाई इनका जो मैक्सिमम रहा है अभी तक वो रहा है 51 से 55 करोड़ रुपए जो इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन कमाए थे। डे 6 के बारे में बात कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 करोड़ रुपए यहां पे कमाने वाली है। और इसी के साथ साथ एक और चीज बताता हूं कि पठान ने इंडिया में तकरीबन 550 से 600 करोड़ के बीच में कमाया था। अब गदर 2 के पास ये मौका है कि वो रिकॉर्ड को आराम से ये तोड़ सकती है। मैं बताता हूं कैसे। अभी तक का अगर माना जाए, डे 6 तक माना जाए तो तकरीबन 250 करोड़ रुपए गदर की इंडिया से यहां पे ग्रॉस हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 300 करोड़ ऊपर है। अब गदर 2 को क्या करना है, उनके मेकर्स को और मूवी को क्या करना है बेसिकली कि आने वाले 2 से 2.5 हफ्तों में ये 550 का आंकड़ा पार करना है यहाँ से, ताकि पठान का रिकॉर्ड भी टूट जाए। क्योंकि भाई हम सबको पता है सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगी जवान और SRK आ जाएंगे अपना पठान का रिकॉर्ड बचाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि SRK किंग है, वो नहीं चाहेंगे कि भाई कोई और मूवी से उनका रिकॉर्ड छीन लिया जाए यहाँ पे। अब वापस से करते हैं गदर 2 के बारे में बात। ये तो रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अब लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए होंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड यहाँ पे टूट चुके थे। सबसे पहले तो सनी देओल की सबसे बड़ी ओपनिंग है। दूसरी बात यह है कि भाई एक दिन में सबसे ज्यादा कमाने वाली ये मूवी बन चुकी है। नंबर 3 की पोजीशन पे आती है। सबसे पहले KGF 2 थी, फिर पठान थी, फिर आती है गदर 2। और ऊपर से ये भी है, इकलौती ऐसी मूवी है जिसे लेट नाइट भी दिखाया जा रहा है। ऐसे छोटे छोटे शहर है जहां पे गदर 2 को 12 बजे के बाद भी दिखाया जा रहा है और फिर भी शोज जा रहे हैं हाउसफुल। मतलब ये गदर का माहौल है या फिर क्या माहौल है भाई, ये इसने पूरे इंडिया को, मैं ये भी नहीं बोलूंगा पूरे इंडिया को, मतलब पूरे वर्ल्ड को अपने कलर से यहाँ पे भर दिया है। लोग दीवाने हो रखे हैं और ना जाने अब इसका कलेक्शन कहाँ से कहाँ पहुंचता है। और ये बात मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो मूवीज आई थी, चाहे आप RRR ले लीजिए, बाहुबली ले लीजिए, आप KGF ले लीजिए या फिर पठान ले लीजिए, इनकी कॉम्पिटिशन में कोई मूवी नहीं थी। ये अकेले वहां पे राज कर रहे थे तब जाके कलेक्शन आया था। अगर यहाँ पे गदर 2 के कॉम्पिटिशन में जेलर या फिर OMG 2 जैसी मूवीज नहीं होती तो आप जान सकते हैं कि ये मूवी कहाँ से कहां तक जा सकती थी। यहाँ पे गदर 2 के एक और रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था और बहुत ज्यादा यूनिक भी है ये रिकॉर्ड। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि जो फर्स्ट मंडे होता है वीकेंड के बाद, गदर इकलौती इंडियन सिनेमा में इकलौती ऐसी मूवी है जिसने 35 करोड़ से ऊपर कमाए हैं। मंडे को गदर ने कमाए थे 38.7 करोड़, जो अप्रोक्सीमेटली आपका 39 करोड़ बन जाता है। ठीक है, अभी तक कोई भी इंडियन सिनेमा में कोई भी मूवी ने इसके जितना नहीं कमा पाई है। और ये जो रिकॉर्ड है ये ऑल ओवर द इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई ये खुद में एक रिकॉर्ड है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए तो गदर 2 मेरे हिसाब से यहाँ पे पठान को बीट कर सकती है और ये पहली वो मूवी हो सकती है जो इतने टाइम बाद आके 1000 करोड़ यहाँ पे कमा जाए। और जहां तक मेरे हिसाब से माना जाए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक हो सकता है सनी देओल के लिए और इसके मेकर अनिल शर्मा जी के लिए। बाकी गदर 3 तो आने वाली है, इसके बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, नहीं पता चल गया तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपको लगता है कि गदर 2 ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं तोड़ पाएगी। आपका जो भी आंसर हो, जो भी आपके विचार हो इस बारे में, जो भी व्यूज हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और आप बताइए कि वैसे गदर 3 भी आने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है गदर 3 के लिए भी। बस यार इतनी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।